सो हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। आज अपने सबसे पहले बात करेंगे कि अपना जो रिड्यूस सिलेबस है एग्जैक्टली टर्म वन टर्म टू में क्या अपना सिलेबस है, और अपने को फुल मार्क्स स्कोर करने के लिए अवर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टर्म वन, उसमें फर्स्ट अपना गोल क्या है सर? 40 on 40, जो 40 मार्क्स का अपना एमसीक्यू एग्जाम होने वाला है टर्म वन में, उसमें 40 on 40 स्कोर करना क्या पॉसिबल है? जी बिल्कुल पॉसिबल है। उसके लिए अपने को एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना के प्रेपरेशन करना पड़ेगा और अपने उसमें एकदम एग्जैक्टली 40 on 40 स्कोर कर सकते हैं। अपने नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे हाउ टू स्कोर 40 on 40, उस स्ट्रैटेजी के बारे में अपने डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस कि सर एग्जैक्टली अपना जो टर्म वन होने वाला है उसमें एमसीक्यू मोड में अपना सिलेबस क्या है। तो गाइज सिलेबस आपको सच बोले तो बहुत ही छोटा सा सिलेबस है और एकदम मजेदार सिलेबस है। आपको देख के डेफिनेटली अपने को खुश हो जाना चाहिए। एक तो सर ये आ रहा है पार्टनरशिप फंडामेंटल्स, इसमें कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है। दूसरा सर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स के साथ ये लोग गुडविल वाला चैप टॉपिक भी कवर कर लेते हैं, एंड चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसमें भी कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, पूरा आ रहा है। मतलब फंडामेंटल्स वाला पार्ट पूरा आ रहा है, चेंज इन पीएसआर पूरा आ रहा है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनरशिप में एक मेजर पोर्शन रिड्यूस कर दिया गया है, जो लास्ट ईयर के रिड्यूस सिलेबस में भी डिलीट कर दिया गया था, वो इस बार भी आप लोग को भी रिड्यूस करके सिलेबस में दिया है। अपने बात करेंगे उसके बारे में। सर कंपनी अकाउंट्स में सिर्फ इश्यू ऑफ शेयर्स आ रहा है, अकाउंटिंग ऑफ शेयर्स आ रहा है और कुछ भी नहीं आ रहा है, और ये पूरा आ रहा है, इसमें कुछ भी डिलीटेड नहीं है। एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अपना एक छोटा सा इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी है जिसमें अपने को मेन हेड सब हेड बताना होता है, ये पूरा आ रहा है। मेन हेड सब हेड वाला जो अपने चैप्टर करते हैं ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, ये पूरा आ रहा है, इसमें कुछ भी डिलीटेड नहीं है। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस वाले में सिर्फ रेशियो एनालिसिस है जो अपने को करना है, ओनली रेशियो एनालिसिस आ रहा है। एंड अकाउंटिंग रेशियोज अपने बात कर ही चुके हैं, जैसा कि पूरा पूरा आ रहा है। इसको अगर अपने डिटेल में देखें तो सर पार्टनरशिप का जैसे ये लोग पूरा ब्रेकअप करके दिया है, पार्टनरशिप का मीनिंग, फीचर्स, पार्टनरशिप डीड, प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में क्या करना होता है, इस तरह से पूरा ब्रेकअप करके। इस चैप्टर में कुछ भी डिलीटेड नहीं है, इवन गुडविल में भी कुछ भी डिलीटेड नहीं है, पूरा पूरा चैप्टर आ रहा है। ये जो लोग यहाँ पे लिखा है ना नोट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज टू बी ट्रीटेड एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये तो अपने को पता है। गुडविल टू बी एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल करेंट अकाउंट, ये अपने को पता ही है। मतलब इसमें कुछ भी अनोखा नहीं है, मतलब अलग कुछ नहीं बोल रहा है। और ये जो बोल रहा है ना रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ गुडविल इज एक्सक्लूडेड, ये पहले भी कभी नहीं हुआ करता था, जबरदस्ती लिख के दिया है, इसका कोई रेलिवेंस नहीं है। ओके एंड रिकंस्टिट्यूशन में चेंज इन पीएसआर आ रहा है, इसमें कुछ भी डिलीटेड नहीं है, पूरा पूरा चैप्टर आ रहा है। एडमिशन ऑफ अ पार्टनरशिप में, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में गाइस केयरफुल हो जाना, यहां पे एक सबसे मेन चीज होता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एक तो ये नहीं आ रहा है, दूसरा प्रेपरेशन ऑफ बैलेंस शीट होता है वो भी नहीं आ रहा है। सर वैसे भी अपने को बैलेंस शीट प्रिपेयर कैसे करवाएगा, बिकॉज एमसीक्यू मोड में एग्जाम आ रहा है, बट फिर भी पूछ सकता था, बोल सकता था कि बताओ बैलेंस शीट का टोटल क्या होगा, ऑप्शन 1 2 3 4 राइट। बट बैलेंस शीट को ये लोग एक्सक्लूड किया है अलग से, जो अपना रेगुलर सिलेबस होता है ना उसमें जो ये लोग एडमिशन ऑफ अ पार्टनरशिप में, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में जो डिस्क्राइब करता है एग्जैक्टली क्या क्या होगा, उसमें बैलेंस शीट अलग से लिखता है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अलग से लिखता है, ये दो मेन पार्ट है अपने बोल सकते हैं कि एक बड़ा पार्ट एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर का, एक बड़ा पार्ट। इनफैक्ट अगर हम आप लोग को परसेंटेज वाइज बोले तो दिस टू कॉम्पोनेंट कंप्राइजेस 40%, और इस चैप्टर का जो अच्छा वाला पार्ट है ना जिसमें एक्चुअली में अपने को सीखना होता है, जिसमें कुछ अच्छा ट्रिकी क्वेश्चंस बनता है, मजा आता है करके, वो वाला पार्ट तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है, वो वैसे भी ये लोग डिलीट कर दिया। तो ये चैप्टर अब एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर अब अपने लिए बहुत ही छोटा सा, बहुत ही ईजी सा चैप्टर बन जाता है राइट। इसके बाद अगर अपने बात करें अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल में, सर सिर्फ इशू ऑफ शेयर जो अपना चैप्टर है ये पूरा आ रहा है, इसमें कुछ भी डिलीटेड नहीं है। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी ये पूरा आ रहा है सर, इसमें मेन हेड सब हेड जो अपने को बताना होता है इसमें कुछ भी डिलीटेड नहीं है। यहाँ पे ये लोग जो नोट लिख के दिया ना एक्सेप्शनल एक्स्ट्राऑर्डिनरी फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस आर एक्सक्लूडेड, ये पहले भी वैसे भी एक्सक्लूडेड ही रहता था, इसको अलग से बोलने का इसका कोई रेलिवेंस नहीं है, ये वैसे भी अपने सिलेबस में नहीं हुआ करता है।
फिर यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का क्या ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंस लिमिटेशन है, ये अपना एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के बारे में खाली बताना है, खाली मतलब 2 पेज का थ्योरी है मान लो। एंड उसके बाद पूरा का पूरा अकाउंटिंग रेशियोज से रिलेटेड बात है, अकाउंटिंग रेशियोज वाला चैप्टर पूरा आ रहा है, उसमें भी कुछ भी डिलीटेड नहीं है, मतलब वो अपने पास 15 रेशियोज होता है टोटल सीबीएसई के सिलेबस में, टोटल देर आर 15 रेशियोज टू बी डन, ऑल 15 रेशियोज आर देयर, नो डिलीशन। ओके ऑल राइट, तो ये अपना टर्म वन का सिलेबस हुआ। टर्म टू का सिलेबस आपको एकदम ब्रीफली बताएंगे क्योंकि अपना अभी बिल्कुल भी इसमें फोकस नहीं है, ये टर्म टू का बात अपने बाद में करेंगे। ये सिलेबस भी बहुत छोटा सा है टर्म टू का सिलेबस भी, और अपने पास मोर देन सफिशियंट, मच मोर देन एनफ टाइम रहेगा आफ्टर टर्म वन, अपने को टर्म टू पे जब फोकस करने का टाइम आएगा तो अपने इस पे भी जबरदस्त तरीके से फोकस करके इसको भी एकदम अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, इसका टेंशन अपने को अभी नहीं लेना। बट ब्रीफली आप लोगों को बता दें सर, एनपीओ एक चैप्टर है अपने को पता है, ये इसमें आएगा और पूरा आएगा। अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म में जो रिटायरमेंट एंड डेथ और डिसोल्यूशन जो दो चैप्टर रह जाता है उसका बात अपने सिर्फ टर्म टू में करेंगे। कंपनी अकाउंट्स का जो अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स, जिसमें इश्यू ऑफ डिबेंचर, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर दोनों कवर होता है, वो भी टर्म टू में आएगा। और अपना जो कंपैरेटिव कॉमन साइज वाला एक छोटा सा चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट, राइट। तो टोटल सिलेबस को ना ये लोग बोल सकते हैं अराउंड 10-15% श्रिंक कर दिया, टोटल सिलेबस को 10-15% कम कर दिया, पार्ट्स में थोड़ा बहुत डिलीट करके 10% ही बोल लो, तो बाकी जो 90% बचा वो 45-45 कर दिया। उसमें जो अपना पहला एग्जाम है 45% वाला, 40 मार्क्स का एमसीक्यू होगा, 10 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट होगा, जो 40 मार्क्स का एमसीक्यू मोड होगा वो कंप्लीटली सिलेबस अपने देख चुके, एकदम छोटा सा सिलेबस है। अब अपने एक बार ये देखते हैं कि एग्जैक्टली अपने कैसे ऐसा स्ट्रेटजी कैसे बनाएं जो 40-on-40 स्कोर किया जा सकता है। एमसीक्यू का जो प्रिपरेशन होता है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मान लो आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछा 4 मार्क्स का, वो आप एकदम बढ़िया से लिखे, एकदम आंसर करेक्ट है, फुल करेक्ट है, एकदम आप प्रॉपर फॉर्मेट बनाए या डिस्क्राइब किए आंसर्स पूरा लिखे, ठीक है, तो अब पूरा आंसर कंप्लीटली अच्छे से करेक्ट होने के बाद भी देर इज अ चांस कि कुछ फॉर्मेट का कोई मान लीजिए आप कुछ प्रॉपर टू बाई लिखना भूल गए, या फिर कोई एक वर्ड मिस कर दिए, या कोई एक फिगर में थोड़ा सा अपना लिखने में गड़बड़ी हो गया, आंसर अल्टीमेटली करेक्ट आ रहा है, अल्टीमेटली आप जो आंसर पे अराइव कर रहे हो वो करेक्ट है, बट ये सब के वजह से पार्ट मार्किंग के वजह से हो सकता है 0.5 मार्क्स 1 मार्क्स कट जाए। तो यहाँ पे एमसीक्यू में अपने पास ये अच्छा बात है कि अपना मार्क्स कटने का कोई स्कोप नहीं है, अगर आपको आंसर पता है, अगर आप सही आंसर पे अराइव करते हो यू गेट फुल वैल्यू फॉर दैट। ऑन द अदर हैंड क्या होता है जब आप रिटन एग्जाम देते हो ना, तो कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको आता नहीं है, आपको डर लग रहा है कि पता नहीं यार राइट होगा नहीं होगा, और राइट नहीं है आपका आंसर मान लो, बट फिर भी आप अटेम्प्ट करते हो, प्रॉपर फॉर्मेट बनाते हो, बिट्स एंड पीसेज में आप करेक्ट करते हो, वो 4 मार्क्स का क्वेश्चन में आप देखते हो फिर भी 2-3 मार्क्स शायद मिल जाए, यहाँ पे वो स्कोप नहीं है, राइट। तो ये एडवांटेज अपने पास नहीं है, बट ये एडवांटेज है कि अगर आप सही आंसर पे अराइव करते हो यू गेट वैल्यू फॉर योर नॉलेज, यू गेट फुल मार्क्स फॉर योर नॉलेज, और यू डोंट गेट एनी मार्क्स, राइट। तो अगर आप मेरे से पूछो कि सर ये ओवरऑल ये एडवांटेज है कि डिसएडवांटेज है, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, कंडीशन वैसा प्लानिंग वैसा स्ट्रेटजी के साथ अपने एक एक टॉपिक को एकदम बेहतरीन तरीके से, एकदम जबरदस्त तरीके से प्रिसीशन के साथ। यहां पे क्या होता है ना एमसीक्यू मोड में यू शुड बी नोइंग द थिन लाइन ऑफ डिफरेंस ऑल्सो, मतलब दो कॉन्सेप्ट के बीच में अगर एकदम थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है ना तो वो भी अपने को एकदम एकदम प्रिसाइजली पता होना चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू में ऐसा ऐसा क्वेश्चन आता है जहां पे आपको 2-3 ऑप्शन एकदम करेक्ट लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा ये दोनों तो करेक्ट है, या आपको चारों में कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होगा, क्यों, क्योंकि आपको सिमिलर लग रहा होगा सारा आंसर, तो वहां पर अपना प्रिसीशन, वहां पे अपना एक्यूरेसी की एग्जैक्टली यही है, जैसे कंटिंजेंट लायबिलिटी और कमिटमेंट का एग्जैक्ट डिफरेंस, मतलब उसमें मिक्स नहीं चलेगा, इतना प्रिसीशन के साथ एक एक बात क्लियर होना चाहिए, पहला बात। दूसरा बात, इसका प्रैक्टिस अलग तरीके से अगर आप कर लेते हो, जो अपने स्ट्रेटजी अभी हम डिस्कस करेंगे वैसे आप प्रिपेयर कर लेते हो तो 40-on-40 मान सकते हो पक्का है, कंडीशन जो अभी स्ट्रेटजी बताएंगे वैसे वैसे अपने को चलना होगा, और टफ नहीं है, मेरे साथ साथ बस चलोगे तो हो जाएगा। देखते हैं कैसे अपना स्ट्रेटजी रहने वाला है, ये जो आप लोग का अभी नए स्कीम के हिसाब से
एमसीक्यू मटेरियल है यहां पे एकदम एग्जैक्टली, जो आपका टर्म वन का सिलेबस है बस उसी का कंटेंट है। अपने इसको 8 टॉपिक्स में डिवाइड किए हैं। सीबीएसई का सिलेबस कैसे किया उसको रहने दो, अभी अपने कैसे इसको डिवाइड किए हैं। सर यहां पे पार्टनरशिप फंडामेंटल्स अपने एक टॉपिक बोलते हैं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर ऑब्वियसली रिड्यूस्ड वाला, कंपनी अकाउंट्स में सर इश्यू ऑफ शेयर और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी अपने कंपनी अकाउंट्स में कवर करता है। ठीक है, उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में एक छोटा सा 2 पेज का थ्योरी और उसके बाद मल्टीपल क्वेश्चन, बस इसमें खाली इंपॉर्टेंस लिमिटेशन और एग्जैक्टली फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का क्या टूल्स है खाली ये जानने का जरूरत है, और फिर रेशियो एनालिसिस वाला जो अकाउंटिंग रेशियोज है 15, बस ये अपना सिलेबस है कंप्लीट। तो इसमें अपना क्या स्ट्रेटजी रहने वाला वो अपने समझते हैं सिर्फ एक चैप्टर के थ्रू। एग्जैक्टली जैसे मान लीजिए अपने को पार्टनरशिप फंडामेंटल फर्स्ट चैप्टर कवर करना है तो कैसे कैसे मूव करना है इसमें, एग्जैक्टली अपने क्लास में कैसे क्या कवर करेंगे, कैसे आपका टेस्ट होगा, क्या क्विज होगा, और आप लोगों को एग्जैक्टली क्या करना है वो पूरा डिस्कशन एक चैप्टर का कर रहे हैं। एंड एकदम सिमिलरली अपने 8 का 8 टॉपिक वैसे ही कवर करेंगे। ये अपने स्टार्ट करेंगे एग्जैक्टली, दिस प्रिपरेशन विल स्टार्ट अराउंड 10th of August, अराउंड 2.5 months में। मतलब अगर हम डेट का बात करें तो मान लो 15th अक्टूबर तक अपने एकदम सिलेबस पे कंट्रोल, और उसके बाद 15th अक्टूबर से अक्टूबर एंड तक अपना रिविजन, कंप्लीट सिलेबस कवरेज बाय 15th अक्टूबर, 10th to 15th अक्टूबर, 10 से 15 अक्टूबर तक अपने पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे और उसके बाद 10-15 दिन का रिविजन टाइम रहेगा। ओके, तो एक चैप्टर का डिस्कस करते हैं एग्जैक्टली, जैसे मान लीजिए पार्टनरशिप फंडामेंटल्स अपने को प्रिपेयर करना है तो कैसे करना है। तो पार्टनरशिप फंडामेंटल्स में सबसे पहले जैसे आप मान लीजिए ये चैप्टर रिवाइज करते हैं तो एग्जैक्टली आपको बस ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव जब आप देखते हो ना, लर्निंग ऑब्जेक्टिव गाइज, ये जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है ना ये एग्जैक्टली जो सीबीएसई एक एक पॉइंट ब्रेक करता है ना, एक एक पॉइंट, अभी अभी आपने जो देखे सिलेबस में जो दिया हुआ है कि मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, फीचर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, राइट्स ऑफ अ पार्टनर, पार्टनरशिप डीड का मीनिंग बताओ, कंटेंट बताओ, इंपॉर्टेंस बताओ। तो जब अपने एक चैप्टर एंड कर देते हैं, ये वाला चैप्टर मान लो अपने एंड कर दिए, पूरा कंप्लीट हो गया अपना, तो आपका प्रिपरेशन ऐसा होना चाहिए कि आप सिर्फ इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव में बैठ के खाली ये वाला एक चार्ट को देख के आप पूरा रिसाइट कर सको, बता दो। जैसे ही आपको बोला बताओ मीनिंग, तो आप मीनिंग में बता दो एग्जैक्टली ये होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ये होता है, बस इसी पेज में अपने पूरा चैप्टर रिवाइज कर पा रहे हैं। और मान लो किसी पॉइंट में आपको थोड़ा सा लगा रिवीजन करते वक्त कि यार ये वाला पॉइंट में थोड़ा सा कंफर्ट नहीं है, तो आप डायरेक्टली बस उस पॉइंट में जाओ, खाली वो वाला पॉइंट को देख लो वापस। ठीक है, तो एक एक टॉपिक जैसे अपने डेफिनेशन और फीचर्स 2-3 टॉपिक को मिक्स करके पहले उससे रिलेटेड जो थ्योरी है वो अपने समझें, ऑब्वियसली उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है अपने क्लास में लिख के जैसे समझते हैं एक एक पॉइंट को डिटेल में, अपना कॉपी में जो अपने नोट्स मेंटेन करता है वैसे नोट्स मेंटेन करते हुए इसको समझे। अब इस टॉपिक से रिलेटेड जितना भी एमसीक्यू क्वेश्चंस है, इनफैक्ट आपको बोले ये जिस तरह से मटेरियल बनाया हुआ है, अगर आप लोग यहां पर ये सारा एमसीक्यू ही खरीद देख लो, बोल सकते हैं कि दिस इज द मैक्सिमम दैट कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक। मतलब आप ये टॉपिक अपने पढ़ें और उसके बाद ये जितना एमसीक्यू इस टॉपिक से रिलेटेड जितना एमसीक्यू यहां पे आपको दिए हैं, अगर ये अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो दैट्स इट, उसके बाद देयर इज नो चांस कि आप लोग को इससे बाहर कुछ अलग पूछ ले। बट ऐसे एक एक टॉपिक का कवर करना होगा, टॉपिक वाइज कवर करना होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक जैसे आया उसमें अपने 2-3 टॉपिक को एक साथ मिक्स करके यहां पे पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप डीड से रिलेटेड सारा बात अपने समझे, उसके बाद पार्टनरशिप डीड और एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड से रिलेटेड जितना एमसीक्यू क्वेश्चन पॉसिबल है। लास्ट अपने वहां पे 11 नंबर एमसीक्यू में एंड किए थे, यहां पे एमसीक्यू नंबर 12 से स्टार्ट हुआ। तो अब इससे रिलेटेड जितना एमसीक्यू क्वेश्चंस पॉसिबल है बस आप इतना कर लेते हैं तो मान सकते हैं कि इसके बाहर एमसीक्यू नहीं आ सकता। ठीक है, एकदम आप लोग ये अगर मेरे साथ साथ कर लेते हो दिस इज मोर देन एनफ। उसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक सर कैपिटल अकाउंट, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग, और इसके अंदर काफी सारा जो अपने को अलग अलग डिफरेंसेस एग्जैक्टली प्रिसीशन के साथ पता होना चाहिए सर, व्हाट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, व्हाट इज अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट का एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है, ये एक पॉइंट जब अपने समझ लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ मल्टीपल टॉपिक्स कवर हुआ, उसके बाद इन टॉपिक्स से रिलेटेड जितना भी एमसीक्यू क्वेश्चंस पॉसिबल है वो अपने कंप्लीट करते हैं, ये अपने क्लास में करते हैं क्लास के साथ साथ। So I'm giving you a tour of just one chapter. Exactly अपने कैसे कवर करने वाले हैं। तो जैसे मान लीजिए ये अपना टॉपिक
कवर हुआ यहां पे। फिर उसके बाद अपना पास्ट एडजस्टमेंट एक टॉपिक आता है। पास्ट एडजस्टमेंट का ऑब्वियसली कॉपी में लिख के अपने जो एक एक कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं, इसका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से अपने कंप्लीट किए, उसके बाद इससे रिलेटेड जितना एमसीक्यू क्वेश्चन पॉसिबल है, मतलब ये सारा कवर कर लेते हैं तो इससे सिमिलर क्वेश्चन ही आएगा, इससे अलग नहीं आएगा कुछ भी। लास्ट इस चैप्टर का जैसे गारंटी ऑफ प्रॉफिट, गारंटी ऑफ प्रॉफिट एकदम सिमिलर तरीके से समझें, उसका सारा एमसीक्यू अपने कंप्लीट किए और लास्ट में सारा एमसीक्यू का अपने पास आंसर्स लिखा हुआ है। फिर आप लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन जब अपने आप करते हो, वो अपने क्लासमेट, ये आपका होमवर्क जाता है पूरा का पूरा, और ये अपने फिर डिस्कस करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारा सर इसमें, जैसे ट्रू एंड फॉल्स वगैरह भी कवर हो जाता है, बिकॉज ये सब क्वेश्चन भी एमसीक्यू मोड में बहुत ईजिली पूछा जा सकता है, राइट? तो जितना ट्रू फॉल्स है, जितना अपने पास फिल इन द ब्लैंक्स है, जितना अपने पास एमसीक्यू क्वेश्चंस है, ये आप लोग का प्रैक्टिस का, इसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स मिक्स है, मतलब हो सकता है ना कोई पर्टिकुलर टॉपिक से एमसीक्यू नहीं आ रहा है सर, मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को, मल्टीपल टॉपिक्स को मिक्स करके एमसीक्यूज है, वो सारा इधर कवर हो जाता है। राइट? देन ये आप लोग जब अपने आप प्रैक्टिस करते हो तो फिर अपने पास पास्ट पेपर से रिलेटेड ऐसा जितना भी क्वेश्चन आया हुआ है, ऑब्जेक्टिव मोड में आया हो या थ्योरी लिखने के मोड में आया हुआ हो, वो सारा क्वेश्चन जिसको एमसीक्यू मोड में कन्वर्ट किया जा सकता है, पास्ट पेपर का लास्ट 10 ईयर्स का जितना भी क्वेश्चन है, ये अपने डिस्कस करते हैं क्लास में, टॉपिक वाइज ऑब्वियसली। ये भी जैसे टॉपिक 2 कंप्यूटेशन ऑफ अप्रोप्रिएशन आइटम्स एंड चार्ज आइटम्स, टॉपिक 3, इसी तरह से टॉपिक वाइज पास्ट पेपर का सारा क्वेश्चन अपने कंप्लीट करते हैं, राइट? तो ये अपने पूरा कंप्लीट कवरेज, जैसे ये एक चैप्टर हुआ, ये अपने क्लास में पूरा कवर किए, इसमें अपने को ऑब्वियसली अच्छा खासा टाइम लगेगा, एक एक पॉइंट एक एक टॉपिक का एग्जाम्पल्स के साथ में डिस्कस करके कॉपी में नोट्स लिख के, और फिर इतना सारा क्वेश्चन क्लास में सॉल्व करने में ऑब्वियसली अपने को जो टाइम लगेगा, उसके बाद आप लोग का चैप्टर खत्म होते ही टेस्ट होता है। हर एक चैप्टर वाइज आप लोग का टेस्ट फॉर्म्स रेडी है। जैसे आप लोग को एक चैप्टर जो अभी हम दिखा रहे हैं, पार्टनरशिप फंडामेंटल्स वाला, पार्टनरशिप फंडामेंटल का जैसे मान लीजिए ये 90 मार्क्स का एक टेस्ट है, इसमें अगेन आपका एमसीक्यू मोड में, और ये क्वेश्चंस ऑब्वियसली डिफरेंट फ्रॉम द वंस दैट वी हैव डन इन मटेरियल, जो मटेरियल में है क्वेश्चंस उससे एकदम अलग है ऑब्वियसली, उस पर हम आ रहे हैं ना, उस पर हम आ रहे हैं। तो दिस इज अ स्ट्रैटेजी फॉर 40 on 40, नहीं जा सकता है। जब हम ये बात बोल रहे हैं कि एक भी मार्क्स कहीं नहीं जा सकता है, तो फिर वो प्रेपरेशन वैसा चाहिए, और वो तो हम कराएंगे ना क्लास में, आप लोगों को क्या टेंशन लेना, आप लोगों को सिर्फ मेरे साथ चलना है, मेरे साथ चलना है, एक एक क्लास करना है, जो होमवर्क दे रहे हैं वो साथ साथ करना है, चैप्टर कंप्लीट हुआ ये टेस्ट देना है 90 मार्क्स का, यार ये क्या कर लिया। और उसके बाद जैसे अपने क्लास में क्विज करते हैं, दिस इज मोर अप्रोप्रिएट टेस्ट, बिकॉज यहां पे मेरे को प्रॉक्टरिंग करने का ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता है ऑब्वियसली। ये भी आप लोग क्लास में बैठ के दोगे वो वाला टेस्ट भी, जो अभी अभी अपने एमसीक्यू का बात किए, एंड घर से भी ऑब्वियसली दे सकते हो। बट अब जैसे अपने जो ये करते हैं, क्या बोलते हैं आपका, क्विज करते हैं क्लास में, अपने पहले भी जैसे क्विज किए हैं, ये मोर रिलायबल है, यहाँ पे आप लोग के पास चीटिंग का कोई स्कोप नहीं है, साथ साथ अपने एक एक क्वेश्चन, और ये भी मल्टीपल फॉर्म्स, मल्टीपल क्विज अलग अलग टॉपिक वाइज अपने साथ साथ में करेंगे, सो दैट अपना कॉन्सेप्ट अपना अंडरस्टैंडिंग एकदम बराबर साथ साथ चलता रहे। ऑब्वियसली अपना क्लासेस जो होगा वो ऑनलाइन ऑफलाइन मोड दोनों में होगा, जो ये ड्यूरेशन चलेगा। इफ यू आर कंफर्टेबल यू आर वेरी मच वेलकम इन द क्लास, एंड देन इफ यू वॉन्ट टू डू इट ऑनलाइन फ्रॉम होम मोस्ट वेलकम। तो इस तरह से अपने टॉपिक वाइज, और ये अभी मैं जैसे आप लोग को अकाउंट्स का बता रहा हूँ, ये एप्लीकेबल नॉट ओनली फॉर अकाउंट्स, दिस इज एप्लीकेबल फॉर अदर सब्जेक्ट्स एज वेल, राइट? अकाउंट्स, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज एंड कॉमर्स, एग्जैक्टली इसी तरह से एक एक टॉपिक सिमिलर मेथड से, जो आप लोग के साथ स्ट्रैटेजी, एक चैप्टर का स्ट्रैटेजी आप लोग के साथ जो डिस्कस किए, एकदम एग्जैक्टली इसी स्ट्रैटेजी के साथ अपने एक एक चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। गाइज देखिए, वर्क तो साथ में आप लोगों को करना ही पड़ेगा, देन ओनली वी आर, मतलब तभी आपको बोल सकते हैं ना, आपको क्लास में ही अपने इतना सारा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके
एक एक कॉन्सेप्ट को इस तरह से समझ के आप लोगों को इतना रगड़ देंगे कि 40 on 40 कहीं नहीं जा सकता है। बस मेरे साथ बने रहना है, क्लास अटेंड करना है, जो थोड़ा बहुत होमवर्क आप लोग जानते हो कितना लाइट सा होमवर्क रहता है, बस उतना होमवर्क करना है, टेस्ट देना है, इवैल्यूएशन होगा आप लोग को तुरंत तुरंत टेस्ट देने के साथ। एमसीक्यू मोड का सबसे बेस्ट बात क्या है ना, आप टेस्ट देते हो आपको रिजल्ट आपके सामने है, एग्जैक्टली यू नो कि दीज आर द एरियाज वी नीड टू वर्क ऑन। और अब टॉपिक वाइज भी डिवाइडेड है, तो आप तुरंत टॉपिक आइडेंटिफाई कर सकते हो कि यार ये वाला टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जहां पे मेरे को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तुरंत उस टॉपिक को वापस से रिविजिट करो, उसको किल करो, खत्म। अपने को एक एक टॉपिक को किल करना है गाइज, वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। इस तरह का प्लानिंग 40 on 40 वाला या 100 on 100 वाला प्लानिंग ऑब्वियसली अपने सब्जेक्टिव मोड में भी करते ही हैं, बट वहां पे फिर भी जैसा कि आप लोगों के साथ डिस्कस किया, आप अपना पूरा बेस्ट देते हो, 100% लिख के आए हो, करेक्ट आंसर पूरा करके आए हो सुपर्ब तरीके से, उसके बाद भी देर इज अ स्कोप कि यू कैन लूज हाफ अ मार्क्स और अ मार्क, राइट। यहां पे अपने ऐसा प्रेपरेशन कर सकते हैं कि एक भी मार्क्स कहीं नहीं जाएगा, ऐसा प्रेपरेशन करने का तरीका होता है एमसीक्यू। तो ये अपॉर्चुनिटी है, बस मेरे साथ में आप लोग को चलना है। ऑल राइट, तो ये जो स्ट्रैटेजी, ये जो मटेरियल आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं, ये आप लोग को एक गूगल फॉर्म मिला होगा, ग्रुप में भी शेयर किए थे। ये वाला वीडियो यूट्यूब में अपलोड होगा, जो ये वाला पार्ट अभी डिस्कस किए, और उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यूट्यूब आप जिस जो वीडियो देख रहे हो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वाला फॉर्म का लिंक है। तो गाइज ये वाला वीडियो आप लोग को आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है, और बस वो सिंपल सा गूगल फॉर्म करके रजिस्टर करना है। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 10th of August, कंप्लीट एकदम धमाकेदार तरीके से 40 on 40 वाला प्रेपरेशन फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, नॉट ओनली फॉर अकाउंट्स, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज एंड कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज बेसिकली फॉर CBSE। तो ये सारे सब्जेक्ट के लिए गाइस, बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट दे करके ये रेडी किया हुआ है, ठीक है। तो डोंट कीप इट टू योरसेल्फ, शेयर इट विथ ऑल योर फ्रेंड्स, और उन लोग को बताओ, आप अपने फ्रेंड्स लोग को भी बताओ जिस तरह से अपने क्लासेस कर रहे हैं, जिस तरह से एक एक कॉन्सेप्ट डिस्कस होता है, आप लोग जानते हो। व्हाई आर यू एंजॉयिंग अलोन, ब्रिंग ऑल योर फ्रेंड्स। ऑल राइट गाइज, तो अब अपने